जब वहां पहुंची तो अंदर में अब वो चार इच्छा प्रकट करती है कि गुरु अब अपना असली रूप दिखा दीजिए। अब तो ये जिस्म शरीर वाला रूप तो मिला जिससे आपने यहां तक पहुंचा दिया, अब अपना असली रूप जो तुम्हारा असली नूरानी रूप है, जिस्मानी रूप तो दिखा दिया। अगर जिस्म रूप में न आए होते तो हम जिस्म शरीर में बैठी जीवात्माएं न कभी जगती और न कभी इस मंडलों में पहुंच पाती। लेकिन अब आप कृपा दया करके अपना असली रूप दिखा दीजिए। तो जागी हुई सूरत क्या कहती है जरा सुन लीजिए दो वचन, तो आपकी समझ में आ गया कि गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। अब समझा के समझ गई है, कुछ जाग गई, चेत गई, दया मिल गई, तो देखो कैसे कैसे पूछ रहे हैं, कैसे कैसे शब्द उच्चारण करती है कि ये तो रूप धरा चुम सर गुण, ये तो रूप धरा तुम सर गुण, ये तो रूप धरा तुम सर गुण, ये तो रूप धरा तुम सर गुण, जे उधार करा रूप दिखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। जागे कह रहे हैं ये तो आपने सर्वगुण रूप धारण किया लेकिन अपना निर्गुण रूप दिखा दो, इस घर से इस रूप से जीव जगाओ और उससे घर पहुंचाओ। ये तो रूप आपने सर्वगुण जो धारण किया है ये हम सब जीवों को जगाने के लिए, होश में लाने के लिए, जानकारी देने के लिए, घर की तरह मुखातिर करने के लिए, लेकिन हम जब असली जगह अल्लाह के आपने खड़ा कर दिया है अब अपना वो नूरानी रूप दिखाइए। क्या कि क्या कह रहे कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब मोहि तरसावो, सोई अब मोहि तरसावो, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना दिखाओ। तुम्हारा रूप अगम अपार है, जिसकी कोई महिमा कोई वर्णन नहीं है, वो तुम्हारा नूरानी रूप अब वो देखने की इच्छा हो रही है। ये तो तुम्हारा जिस रूप शरीर धारण करने वाला तो देख लिया और इसी से आपने हमको जगा दिया और जगा कर यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब आगे तो ये रूप जाएगा नहीं, आगे वो जो नूरानी रूप तुम्हारा है यानी निर्गुण रूप वो दिखा दीजिए। देखो कैसे वचन कैसे करें, सोई अब दर्शाओ, अब वो कृपा दिखा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि देखो रूप मगन है बैठू, देखो मगन है बैठू, देखो रूप मगन होए बैठू, प्रिया भय दान
दिखा दीजिए तुम्हें प्रसन्न हो जाओ, उस निर्गुण रूप को देखकर मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। और अभय दान जो इधर मुझे भय लग रहा है शरीर में जीवात्मा जब तक काल का भय है, बहुत भय सता रहा, अब हमको अभय दान दिलवा, हम निर्भय हो जाऊं, बिल्कुल निडर, किसी की कोई चिंता फिकर न रहे, कोई डर भय न रहे। आगे क्या कह रहे हैं, ये भी रूप प्यारा मुको, 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 इस ही से उसको समझाओ, ईसाई से उसको समझाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। तुम्हारा ये जिस्मानी जो तुमने शरीर मेरे लिए धारण किया था, ये भी मुझको प्यारा लगता है, कि अगर जिस रूप में ना आते तो हम सब जिस में शरीर में रहने वाली जीवात्मा ना आपको समझ पाती, ना वचन सुन पाती, ना कोई ज्ञान हो पाता, इसलिए हमको यह तो रूप प्यारा ही है, लेकिन इस ही से उसको समझाओ। अब इसी यानी सर्वगुण रूप से अपना निर्गुण रूप समझा दीजिए, बता दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं, कि बिन इस रूप काज नहीं होई, 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 क्यों करवाही लखायो, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैं ये जानती हूँ बिना जिस रूप के हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमें जागरूकता जो मिले तो इसी रूप से मिलेगी, क्यों हम सब अज्ञानी रूप में मनुष्य शरीर में बैठी हूँ। अगर आप मनुष्य धारण मनुष्य चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल ना आए होते तो मैं कैसे आपको कोई भेद हमें कैसे मिलता। तो कहा बिना इस जिस्म के वो नूरानी का काम नहीं होगा, उसके लिए प्रथम तो ये है और बात में वो है, इसलिए क्या कह रहे हैं, कि ताते महिमा बारिश की, ताते महिमा बारिश की, ताते महिमा बारिश की, ताते महिमा बारिश की, पर वो भी दिखलाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप। मैं ये जानती हूँ बिना जिस रूप के आपका नूरानी रूप नहीं मिलेगा, आधार तो यही है, लेकिन वो भी तो दिखाइए आपकी, हाँ इसकी महिमा सबसे ज्यादा, इस जिस्म की शरीर की रूप की महिमा ज्यादा है,
क्योंकि बगैर इसके तो उधर जाया नहीं जा सकता, उनको देखा नहीं पाया नहीं जा सकता है, लेकिन कृपा करके वो भी अब दिखलाइए। आगे क्या कह रहे हैं कि वह तो रूप सदा तुम धारो, रूप सदा तुम धारो, वह तो रूप सदा तुम धारो, रूप सदा तुम धारो, या ते जीव जगाओ, अपना रूप दिखाओ, अपना रूप दिखाओ, तुम्हारा रूप अनवरत एक समान हमेशा रहता है, और ये रूप धारण कर तो जीव को जगाना होता है। जीव जगाने के लिए आपने ये रूप धारण किया, वो तो रूप आपका हमेशा वैसा ही रहता, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। आखिरकार इससे आपने हमको जगा दिया, ये आपकी महिमा, लेकिन वो तो अभी तो बताओ आगे क्या कह रहे कि ये भी भेद सुना मैं तुमसे, भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे, सूरत सात मार्ग नित गाओ, सूरत सात मार्ग दिखलाओ, सूरत सात मार्ग नित गाओ, सूरत सात मार्ग नित गाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मैं अपना रूप। ये भी मैंने आपसे ही सुना है कि ये शरीर तो मैंने जीव जगाने के लिए धारण किया है, मेरा असली रूप कुछ और है, वो हमेशा एक समान रहता है, ये मैंने आपसे ही सुना है, तो कृपा करके अब उसकी तरफ भी दे चलो, वो भी दिखा दो, संतुष्टि हो जाए। आगे क्या कह रहे कि सप्त रूप जो रूप तुम्हारा, 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 वा मैं भी अब सुरति पठा, सूरत पठाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, तुम्हारा श्री स्वरूप शब्द है, अब वो शब्द सूरत को शब्द में मिला दो, शब्द में पहुंचा दो, मिला दो, क्योंकि तभी इसका ये शंका संदेह भूल भ्रम करना प्रश्न करना सब खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत से, निर्भय कर अब मोही छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोही छुड़ाओ, गुरु मोही अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। यहाँ तो इस रूप में मोह से बहुत डर लगता है और दुखों का डर है, तरह तरह के दुख है और सबसे बड़ा मौत का डर है, लेकिन अब हमको निर्भय कर दो
कि मौत के हवाले कभी ना, इस काल माया के रेस में कभी आना ना पड़े, ऐसा हमें निर्भय कर दो, अलग कर दो कि मैं यहाँ कभी नहीं हूं। आगे क्या कह रहे, कि दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, गुरु मई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप, कहते तुम दीन दयाल हो, तुम पर दया करने वाले, मुझ दीनहीन पर भी दया करो, तुम जीवों के हितकारी हो, जीवों का हित भला कल्याण करने के लिए आपने मानो चोला मृत्यु लोक मंडल में धारण किया, तो अब सतगुरु स्वामी हमारा ये काम बना दीजिए, बहुत युगों की भूली बिछड़ी हो, आज आपने जो दया की है कृपा की है हम सब जीवों पर, तो ऐसा करो मेरा ये काम बना दीजिए कि दोबारा हमको मौत के हवाले ना हो, काल माया के देश में दोबारा ना हो, फिर यहां कभी नहीं हो। देखो ये जानकारी हो जाने के बाद जीवात्मा कितना पश्चाताप करती है कि मैं तो व्यर्थ में यहां फंसी नहीं, मुझे ये भेद मालूम नहीं था कि हम फंसी है कि निकली है, हमारा यही देश है असली की नकली देश है, या हमारा कोई है कि नहीं है, हमारा कोई रक्षक कोई मतलब यानी हिफाजत करने वाला है कि नहीं है, का ये कुछ जानकारी नहीं थी। अगर आपने माला मानो चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल में ना आए होते तो ये भी राज नहीं मिलता कि हम कहाँ हैं, कहाँ की हैं और कहाँ के फंस के कैसे निकलेंगे, फिर घर कैसे पहुंचेंगे। ऐ दीनदयाल ऐ जीवों के हितकारी सतगुरु स्वामी अब हमारा ये काम बना दीजिए, बहुत जीवों का भोला बिछड़ा। आगे क्या कह रहे हैं, कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। देखो जागी सूरत कितने प्रश्न करती है, अब वो सतगुरु दाता दयाल एक एक प्रश्न का जवाब देंगे, जरा सुन लीजिए आप। कहा देख प्यारे मैं समझाऊं, ऐ प्यारी सूरत अब मैं तुम्हें सब सारा हाल बता रहा हूं, सब समझा रहा हूं। क्या कह रहे हैं, कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे है न्यारा। मैं अब समझा गई ऐ प्यारी सूरत, अब मैं समझा के कह रहा हूँ मेरा वो नूरानी रूप सबसे न्यारा, ऐसा किसी का नहीं, किसी मंडल के मंडलाधीश का ये रूप नहीं है जो मेरा अनोखा अगम अपार वो रूप है। अब आगे समझा के क्या कह रहे, के वो तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग दे न मैं उसे सवारा, जब लग
सहारा, लब लगे उसे न दे सहारा, जब लग उसे न दे सहारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा देख सकता, न ब्रह्मा देख सकता, न विष्णु, न शंकर, न राम, न कृष्ण, न देवी देवता, वो मेरा रूप कोई नहीं देख सकता। जब तक मैं जिसको सहारा नहीं दूंगा, आधार नहीं बनाऊंगा, तब तक मेरा वो जिस्मानी नूरानी रूप कोई नहीं देख सकता। आगे क्या है कि करनी करो मारे मन डालो, 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 इंद्री रोक द्वारा, इंद्री रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम अपारा। ऐसी करनी करो, अभी तक तुमने शरीर की करनी की तो फंसे रहे, अब जरा आत्मा की करनी क्या है उसे कर लो। और क्या इंद्रिय द्वार रुका, जो इंद्रिय द्वारों पर गंदा क्षणिक रस मन ले रहा है उसको रोको, उसको उधर से मोड़ो और इधर की तरफ लगाओ, भोगों से हटाकर योग नाम योग की तरफ इसको मोड़ो। आगे क्या कह रहे कि सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सूरती चढ़ाए गगन पर धारो, सूरती चढ़ाए गगन पर धाओ, सूरती चढ़ाए गगन पर धाओ, सुन शिखर के पारा, सुन शिखर के पारा, रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम अपारा। जो मैं नाम की युक्ति दे रहा हूँ, नाम का आधार, इस नाम आधार को पकड़ा कर सूरत को ऊपर चढ़ा, क्योंकि घर इधर नहीं उधर है, इन सारे मंडलों के ऊपर इसको चढ़ा के ले चलो, और सुन शिखर के उस पार जब पहुंचोगे, वहां से तुमको मेरा देश, मेरा मंडल मुकाम दिखाई देने लगता। आगे क्या करें कि सत पुरुष का रूप दिखाऊं, 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 अलख अगम दरवारा, अलख अगम दरवारा, अलख अगम दरवारा, अलख अगम दरवारा, रूप हमारा सब से है न्यारा, रूप हमारा सब से न्यारा। कहते जब ऊपर पहुंचोगे सतपुरुष का दर्शन होगा, जब सतपुरुष का दर्शन होगा, कहते फिर आगे उसके आगे अलग अगम जो मेरा असली स्थान घर है वहां पहुंचो। आगे क्या कह रहे कि ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, ता
के आगे सतगुरु स्वामी ही वो निज रूप हमारा, वह निज रूप हमारा, रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम अपारा। ऐसे अलख अगम के उस पार अनाम नाम, वो मेरा श्रीगण है। कहाँ वहां पर सतगुरु शाली बैठे हुए हैं, कहा जब वहां पहुंचेगी उनका दर्शन दीदार करोगे तो कहते तो हमारा असली रूप वह है, इधर नहीं उधर असली रूप। जब अगम और अपार यानी भक्तों और अनाम के उस पार जब पहुंचोगे अनामी धाम में, वह मेरा असली रूप है। जब वो रूप तुमको मिलेगा तब तुमको पूर्ण शांति होगी। कि धीरज धरो करो सतसंगत, धीरज धरम करो सतसंगत, धीरज धरो करो सतसंगत, धीरज धरो करो सतसंगत, मेहर दया से ले वसुधारा, 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 रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम अपारा। धीरज धरो और सत्संग करो। जब सत्संग करोगे सत्संग वचन सुनोगे तो तुम्हारी जानकारी में सब आ जाए। कहा दोरा धीरज धरो और सत्संग करो, वो कहते हो कि और मेहर दया से ले सुधारा। फिर सतगुरु दाता दयालु की जो ये दया मेहर ये जिस्मानी शरीर में हो रही इसको लो और इसी से तुम नूरानी में पहुंचोगे। आगे क्या कह रहे कि वह तो रूप दिखा कर छोड़ू, 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 तुम जल्दी क्यों कर पुकारा, तुम जल्दी कर क्यों करो पुकारा, तुम जल्दी कर करो पुकारा, तुम जल्दी कर करो पुकारा। कहते मैं वो रूप छुड़ा दिखा के छोड़ूंगा, मैं बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहा मैंने वादा किया है कि तुमको अपना वो यानी नूरानी जी स्वरूप दिखाकर छोड़ूंगा, लेकिन धीरज धरो। तुम जल्दबाजी क्यों करते हो? जल्दी काम शैतान का, धीरज काम रहमान का। क्या कह रहे हैं आगे कि तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, और तुम अंचित रे धरो प्यारा, तुम अंचित रे धरो प्यारा, तुम अंचित रे धरो प्यारा, तुम अंचित रे धरो प्यारा। आज तुम्हारी ये चिंता हरने के लिए मैंने मानव तन धारण किया, तुम्हारी चिंता को खत्म करे मानूंगा, कोई चिंता रह नहीं पाएगी। जरा धीरज तो धरो, अरे सत्संग तो करो और धीरे धीरे अपने मन को सुधारने लगो। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति,
संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और परतीत समारा और परतीत समारा रूप हमारा सबसे न्यारा रूप हमारा सबसे संशय छोड़ो कोई संशय भूल भ्रम नहीं रहा तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए मैंने ये तन मानव तन धारण किया है तुम्हें बिल्कुल चिंता से रहित कर दूंगा लेकिन धीरे धीरे सत्संग करो और धीरे धीरे मन को सुधारो आगे क्या कह रहे ये करनी मैं आप करूं ये करनी मैं आप कराऊं ये करनी मैं आप कराऊं ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं दूर दरवारा और पहुंचाऊं तुम्हारी बस की नहीं ये मैं ही कराऊंगा लेकिन धीरे तो धारण करो थोड़ा सत्संग तो करो और धीरे धीरे मन की रहनी गहनी को ठीक करो मैं ये सब करनी कराऊंगा मैं जानता हूँ जीव के बस की बात नहीं है लेकिन अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो ये मन और सहायता नहीं करेगा तो कुछ तुम करो कुछ मैं करूं कुछ मालिक की दया हो जाएगी आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहत सुनाई सतगुरु स्वामी कहत सुनाई सतगुरु स्वामी कहत सुनाई सतगुरु स्वामी कहत सुनाई जब जब जैसी मौज सवारा जब जब जैसी मौज सवारा जब जब जैसी मौज बिचारा जब जब जैसी मौज बिचारा देख प्यारे मैं समझाऊं देख प्यारे समझा रहे सतगुरु स्वामी कहा जब जैसी मौज होगी तब तैसा काम करूंगा तुम्हारे चिल्लाने ग्वार फुकार लगाने से कुछ नहीं होगा पहले धीरे धरो और सत्संग करो और धीरे धीरे मन को सुधारो मैं जानता हूं ये भी करनी तुम नहीं कर पाओगे ये भी करूंगा लेकिन तुम कुछ तो करो कुछ नहीं करोगे तो ये शैतान मन शैतानी करेगा फिर आपको बैठने नहीं देगा इधर मुड़ने नहीं देगा नाम की कमाई करने नहीं देगा कहते हैं सतगुरु स्वामी कहे समझाई जब जब जैसी मौज बिचारा जब जब जैसी मौत देखी जाएगी किस मौज मर्जी से जीवों का काम होगा वही मौज मर्जी धारण करूंगा किसी के कहने बहकाने पर नहीं जय